बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को कॉन्सर्ट अटैक के बाद पहली बार मंगलवार की सुबह को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान सिंगर ने उस इंसिडेंट के बारे में कोई बातचीत नहीं की और पपराजी के सभी सवालों के जवाब में बस ऑल ओके कहा। आपको बता दें कि सोमवार शाम मुंबई के चेंबूर इलाके में सोनू निगम और उनकी टीम के साथ शिवसेना के एक सदस्य ने हाथापाई की है। सोनू वहां एक फेस्टिवल में अपनी टीम के साथ परफॉर्म कर रहे थे, जब एक लोकल विधायक ने सोनू की टीम मैनेजर सायरा के साथ बदतमीजी की। समझा जा रहा है कि विधायक उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी से जुड़ा हुआ है। विधायक का बेटा सोनू निगम के साथ फोटो लेना चाहता था, इस कारण वो स्टेज पर चढ़ गया। उसके बाद उसने सोनू की मैनेजर को स्टेज से हटने के लिए कहा। जब सोनू स्टेज से नीचे उतर रहे थे, तब उसने सिंगर को स्टेज के पीछे की सीढ़ियों की ओर धक्का दिया। इस इंसिडेंट का एक वीडियो भी सामने आया है। इस पूरी घटना के दौरान शिवसेना के सदस्य ने सिंगर और उनके बॉडीगार्ड के साथ धक्का मुक्की की। सोनू निगम को बचाने के दौरान उनके बॉडीगार्ड और सिंगर दोस्त रब्बानी खान और दो लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस पूरे मामले में सोनू निगम ने ANI से बात करते हुए कहा कि कॉन्सर्ट के बाद मैं स्टेज से नीचे उतर रहा था, एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया, फिर उसने हरी और रब्बानी को धक्का दिया जो मुझे बचाने आए थे, फिर मैं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। अगर लोहे की कुछ छड़े पड़ी होती तो आज रब्बानी की मौत हो सकती थी, उन्हें इस तरह से धक्का दिया गया, आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ तक कि मैं भी गिरने वाला था। आपने की जो फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नहीं बूम पार्टी कर रही, तो बूम तो डाल ले लो, तो पकड़ा तो उसके बाद में जी नीचे थोड़ा जी सोशल बाद में मुझे मालूम पड़ा, उसे पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी को उसने पुश किया, तो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है, उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में मैं नीचे स्टेप पे, हाँ मैं स्टेप पे गिरा, मैं अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता, मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो ऐसे पीछे गया तो उसके बच गया, वो मर जाता वो, अगर नीचे कुछ लोहा होता रब्बानी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है और घटना की जाँच कर रही है। इसी के साथ सोनू निगम पर हमले का वीडियो एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब सोनू स्टेज से नीचे उतर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें धक्का दे रहे हैं। इनमें से एक स्टेज से नीचे गिर गया था, ये वीडियो तुरंत वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।